पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने वाली नाबालिग छात्राओं से 81 वर्षीय मकान मालिक द्वारा छेड़खानी किए जाने का मामला सामने आया है। 10 दिनों से छेड़खानी का सामना कर रही छात्राओं ने आखिरकार बुधवार को सीतापट्टी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ छेड़खानी तथा पोक्सो के तहत मामला दर्ज कराया है। आरोपी श्रीराम मारुति पाटिल उम्र 81 अम्बेडकर नगर धर्मपेट निवासी है। पाटिल सेवानिवृत्त कर्मचारी है, वह अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी बीमार है। पाटिल घर में छात्राओं को पेइंग गेस्ट के तौर पर रखते हैं। सूत्रों के अनुसार 16 वर्षीय नाबालिग छात्राएं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करी है। बाहरी जिले की होने से वह पाटिल के घर में बतौर पेइंग गेस्ट रहती है। 22 जून को क्लास बंद होने से छात्रा लाइब्रेरी गई थी। वह शाम 5:30 बजे रूम पर लौट आई और छात्रा की शिकायत के अनुसार गेट खोलकर भीतर जाते ही पाटिल ने उसे बाहों में जकड़ लिया। उनके आपत्तिजनक बर्ताव करने से छात्रा घबरा गई। वह घबरा कर भीतर चली गई। भयभीत होने से छात्रा ने यह घटना किसी को नहीं बताई। 3-4 दिन बाद छात्रा कमरे में सोई थी और उसे खिड़की से पाटिल घूरते हुए दिखाई दिए। छात्रा ने कमरे के भीतर दिखाई नहीं देने के लिए खिड़की पर कागज चिपका दिया। इस बर्ताव के बाद छात्रा पाटिल को देखते ही मार बदल कर कन्नी काट लेती थी। 2 जुलाई की शाम 5:30 बजे छात्रा घर लौटी और उसे साथ रहने वाली हम उम्र छात्रा शांत बैठी नजर आई। संदेह होने पर उसने सहपाठी छात्रा से शांत रहने की वजह पूछी और छात्रा ने रोते हुए पाटिल द्वारा छिड़खानी करने का बताया। उसके अनुसार वह कमरे के बाहर रखे कपड़े उठाने के लिए गई थी, तभी उसे पाटिल दिखाई दिए। उसने पाटिल से दादी की तबीयत कैसी है पूछा और पाटिल ने उसे आपत्तिजनक बर्ताव किया। सब पाटिल की बात सुनकर दोनों छात्राएं घबरा गई। रात 11:30 बजे पाटिल छात्राओं के कमरे में आया व छात्राओं के करीब जाने लगा। छात्राओं ने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कहा और 12:30 बजे पाटिल ने फिर से छात्राओं को कमरे का दरवाजा खोलने को कहा। छात्राओं ने खुद को कमरे में बंद करके किसी तरह पूरी रात जागकर बिताई। 3 जुलाई को सीतापट्टी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत छेड़खानी तथा पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। नए बदलाव के बाद से शहर पुलिस द्वारा छेड़खानी तथा यौन शोषण के तहत यह पहला मामला दर्ज किया गया है। ही गोष्ट सत्य आहे। 1 महिन्यापूर्वी ते पेइंग गेस्ट म्हणून पोलीस स्टेशनच्या एरियामध्ये राहायला आले होते, तर त्या ठिकाणचा घरमालकाने त्यांची 81 वर्षीय व्यक्ती आहे घरमालक, त्यांनी त्यांची छेड काढलेली आणि त्या मुली अल्पवयीन आहेत। सदर आरोपीला पोलिसांनी आता अटक केलेला आहे आणि माननीय न्यायालयाकडे हजर करत आहोत। त्यांचे घरी त्यांची पत्नी आणि मुली राहतात आणि ते टाउन प्लॅनिंगमधून रिटायर्ड झालेले आहेत। ह्याबद्दल ह्या दोन पीडित होत्या आणि पोलीस आता आणखीन त्यामध्ये चौकशी करत आहे सध्या। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।